बाद से फॉर्म की लाइन भी खोली। अगर जैसे आपने दो बार उस समय लाइन खोली तो वैसे बहुत सारे लोगों की अभी भी मांगे कि हम लोग जो एज बार्ड हो गए थे, जिसका अभी सेप्टेम्बर में PSC ने एक निकाला है कि 3 साल की उन लोगों को छूट दी जाएगी, तो भाई उन लोगों को भी इसमें छूट दी जाए। और दूसरी बात यह है, उसके बाद 30 अगस्त को इन लोगों ने एग्जाम का सिलेबस में इतना आमूलचूल परिवर्तन किया है कि 6 सब्जेक्ट हटा दिए लोग और उसमें 10 सब्जेक्ट नए एड कर दिए। तो अब इसमें क्या है कि भाई जो परेशानी थोड़ी हुई हम लोगों की, ऑलरेडी 16 अक्टूबर की सबसे तैयारी हो गई थी, फिर हम लोगों को नए समय से नई बुक्स खरीदना, उन सब की तैयारी की। फिर उसके बाद में कुछ लोग सपना के हैं, वो हाईकोर्ट चलेगा, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि अगर PSC नए सिलेबस के अनुसार 18 तारीख को की जाती है तो उसका जो परिणाम है ये जो याचिका जो लगी हुई है उसके अनुरूप होगा। तो अगर मान लीजिए कल को PSC में याचिकाकर्ता जीतते हैं तो ये परीक्षा निरस्त हो जाएगी। इस परीक्षा का परिणाम भी वही होगा जो 2019 की जनरल PSC का हुआ है। जब ये जाती है तो आप इसको क्यों करा रहे हैं? आप कुछ समय अब एक्सटेंड कर दीजिए, उस समय ये पोस्टपोन कर दीजिए, तीन बार कर चुके हैं तो इस बार नहीं, आप नई लाइन ओपन कर दीजिए तो जो वंचित रहेगा उनको भी फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा और हम लोगों को भी तैयारी का भी समय मिल जाए, क्योंकि काफी हम लोग मानसिक त्रास से गुजरे हैं इसमें। अगर नहीं हुई आप मांगे तो नहीं हुई तो हम लोग संवैधानिक तरीके से ही आगे आपका कदम उठाएंगे, कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, शांतिपूर्ण धरना देंगे। जो लोग न्याय दिलाते हैं दूसरों को वो आज खुद न्याय के लिए पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी बात विडंबना देखिए आप लोग। PSC की मनमानी है कि वो हाई कोर्ट के कंफ्रंटेशन में जा रहा है, PSC के इतना हाई कोर्ट से ऊपर नहीं हो गई। PSC की ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजक की भर्ती निकाली गई थी, इसका विज्ञापन दिनांक 7/6/2021 को दिया गया। इसके बाद 8 अक्टूबर 2022 को PSC द्वारा फिर से पुराने 6 सब्जेक्ट को हटाकर नए 10 सब्जेक्ट जोड़े गए, जिसके लिए सब बच्चों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की कि हमारा जो पेपर है वो पुराने सिलेबस के अनुसार लिया जाए। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि अगर PSC अब पेपर लेती है तो जो भी निर्णय होगा उसके अकॉर्डिंग ये पेपर होगा। तो हम लोगों को छात्र संघ की और पूरे सब लोगों की यही मांग है कि जो भी पेपर किया जाए अब आगे वो हमारे पुराने सिलेबस के अनुसार किया जाए और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आने तक उस पेपर को स्थगित किया